क्या उज्ज्वल भविष्य दिख रहा है? देखो वो उनकी पहले हमेशा रही थी, जब वो चुनाव हार गई थी पिछली बार तो उन्होंने विधान लोकसभा चुनाव हराने का प्रयत्न किया, मुझे खुद को हराया उन्होंने। वो चाहती है कि जब मैं सरकार में नहीं रहूं तो दिल्ली में भी सरकार नहीं बने, तो मेरे पापों की सजा मुझे नहीं मिले, इसलिए उनका लक्ष्य है कि मैं हार जाऊं और दिल्ली की सरकार को मिला। पर सर क्या कारण है कि किरोड़ी लाल मीणा को मनाने में पार्टी कामयाब हो गई लेकिन आपको नहीं मना सकी? ये पार्टी वाले जाओ कौन कौन लोग अब तक आपके साथ हुए हैं, किस तरह की रणनीति है? देखो मेरे साथ बहुत लोगों का संपर्क हुआ, अखिल भारतीय स्तर की बहुत सी राजनीतिक पार्टियों का हुआ, राजस्थान के विभिन्न क्षेत्रों के जातीय समूह के और अन्य समूह के लोगों से मेरा मिलना हुआ, लेकिन हमारी जो पार्टी आएगी वो कहीं की ईंट कहीं का रोड़ा नहीं बनेगी। हम सिद्धांतनिष्ठ तपे तपाए और इस प्रकार के युवा लोगों को साथ लेकर आएंगे कि जो एक राजनीति को नई दिशा दे सके। अब राजनीति का खाका बदलने का काम राजस्थान से शुरू होगा और इसलिए हमने भारत वाहिनी नाम दिया। भारत शब्द का बार बार भगवान कृष्ण ने अर्जुन के लिए प्रयोग किया और अर्जुन ने कहा था अर्जुन से प्रतिज्ञा द्वय न दैन्यम न पलायनम, तो हम न दीनता दिखाएंगे न पलायन करेंगे और ऐसे लोगों को लेकर आएंगे जो सभी समाज और वर्गों के होंगे और 200 नए चंद्रपूत पैदा करेंगे जो नई राजनीतिक शक्ति की ऊर्जा देश के स्टेट पे। केवल राजस्थान किस तरह में रहेगी भारत भर में पहले की पार्टी, क्योंकि नाम भारत अभी तो राजस्थान में। किस तरह का शेप होगी, किस तरह का सिंबल होगा, झंडा होगा? ये एक महीने के बाद में जब ऑब्जेक्शन कोई आएंगे और उनकी आयोग सुनवाई कर लेगा उसमें झंडा और सिंबल उसके बाद वो क्या करेगा, वो हमने उनको उस समय हमारे से मांगेंगे, उस समय सब की राय लेकर झंडे के और सिंबल को देंगे।